मम्मी लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि जो पोल्यूशन गाड़ियों से रोका था वो कर देते पटाखे फोड़ के। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जरूर जलाएं। और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नए ब्लॉग के अंदर। तो आज पूरी रिसर्च करने के बाद और जैसे कि आपको पता है कि मैंने ब्लॉग वगैरह अपलोड कराया तो उससे मेरे को ये पता चल चुका है कि जो नेट है वो कहाँ कहाँ आता है। तो यहाँ पे फोन इस एंगल पे इस मार्क तक रखने पे यहाँ पे फोन को रख के थोड़ा सा बाहर निकाल के कैमरा तक बाहर निकाल के नेट चलता है। तो ऐसे से कुछ हम रिसर्च कर रहे हैं बैठे हुए। साथ ही मैंने और कुछ रिसर्च करी है जैसे हमारे बाथरूम में चारों दीवारों के ऊपर 50 से ऊपर टाइलें हैं, छत के ऊपर अलग सीलिंग है, कितनी लाइटें हैं, 20 से 25 लाइटें हैं दो कमरों के अंदर। ऐसी ऐसी हम रिसर्च बहुत सारी कर रहे हैं। आप जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। बहुत ही तगड़ा तो नहीं जा रहा होगा आई नो दैट, पर फिर भी तुम्हारे पास नेट है ये सोचो। अभी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि जियो फाइव वगैरह अरेंज कर पाऊँ क्योंकि उससे शायद से थोड़ी सी एम्पलीफाई हो पाएगी स्पीड, क्योंकि मेरे को वाईफाई वालों को बिल्कुल भरोसा नहीं लग रहा है अभी फिलहाल और मैं पूरा दिन बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं सो रहा हूँ। तो फिलहाल आज ही अगला दिन और मेरे को जियो फाइव मिल गया। अब इसके कारण थोड़ी बहुत ही मेरे को स्पीड की जो दिक्कत है वो थोड़ी सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये जो डिवाइस है मैं जहाँ मर्जी रख सकता हूँ। जैसे कि जिस एरिया पे यहाँ पे जियो का नेट आता था मैंने उधर ऐसे डिवाइस को रख दिया है तो यहाँ पे इसका नेटवर्क पकड़ा जा रहा है और अब इससे मैं अपना वाईफाई चला सकता हूँ किसी भी तरीके से। थोड़ा सा ऐसे अच्छा सा जुगाड़ है, थोड़ा सा नेट वगैरह मिल जाएगा और मेरे को फोन जो हर जगह बैठ के आगे रखना नहीं पड़ेगा। अब मैं इसके अंदर अपना वाला सिम भी डाल सकता हूँ जिससे कि जो एक्स्ट्रा नेट मेरे फोन में पड़ा है वो भी इसके अंदर मैं यूज कर पाऊंगा। देखते हैं अब कैसे जाता है सारा सीन। थोड़ा सा रिलीफ सा मिल रहा है, ऐसे कलेजे को ठंडक सी पहुंच रही है। ओके सो जस्ट अभी मैंने एक लाइव स्ट्रीम खत्म करी अपने टेक वाले चैनल के ऊपर, काफी मस्त ऐसे रिस्पॉन्स आया। 79 रुपीज की सुपर चैटें भी आ गई, बहुत ही ज्यादा मजे भी आ गए। अब अगर मेरा थोड़ा सा और नेट होता तो मैं और भी लाइव स्ट्रीम कर सकता था, बट ऐसे ही बस हम करते रहेंगे लाइव स्ट्रीम यार दोनों चैनल के ऊपर जैसे थोड़ा सा नेट आता है। फिलहाल मेरे को वाईफाई वाले से भी थोड़ी खुशखबरी मिली है। मैंने क्या करा था कि जो पुराने वाला वाईफाई वाला था तो वो तो आ नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा कि एयरटेल वालों को एक और रिक्वेस्ट डाल दी दूसरे वाले अकाउंट से, इसी सेम फोन नंबर पे सेम एड्रेस पे। तो दूसरा वाला ऑपरेटर आ रहा, वो कह रहा हमारे पास पास है हम आ सकते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। क्या पता वो आज आके लगा के चला जाए तो मस्त वाईफाई मिल जाएगा तो सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। देखते कैसा सीन जाता है। फिलहाल तो जियो फाइव के थ्रू मैंने स्ट्रीम करी थी, जियो फाइव का सिक्की जन के ऊपर अटका के जैसे मैंने पहले दिखाया था। सो वेलकम बैक टू अनदर न्यू डे। आज है 4 अप्रैल और कल मोदी जी ने एक और सूचना दी है कि 5 अप्रैल को रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जरूर जलाएं। बाकी मैं अभी फिलहाल अपनी दूसरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टेक वाले चैनल के लिए क्योंकि उसके ऊपर काफी टाइम से कंटेंट अपलोड नहीं करा, पैसे तो उसी से आने। फिलहाल इस वाले चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुई है, काफी लोगों को लगा था पिछले ब्लॉग से कि इस वाले चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गई, नहीं इस पे नहीं हुई है। वो टेक वाले चैनल पे अनलॉक हुई है मोनेटाइजेशन, तो उससे पैसे जो है थोड़े बहुत बन रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे कुछ एक बहुत ही मस्त चीज फिगर आउट हुई है, आपको भी बताता हूँ। तो एक्चुअली जैसे कि आपको बताइए मेरी किचन है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अगर जियो फाइव में रखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को डाउनलोड स्पीड बहुत अच्छी आती है और अगर मैं यहाँ पे प्योरीफायर के ऊपर ऐसे अटका के जियो फाइव रखता हूँ तो यहाँ पे अपलोड स्पीड बहुत ज्यादा मस्त आती है और इसी के कारण अब ये जो अपलोड है ये काफी मस्त हो रहा है। तो जैसा कि देख सकते हो अपलोड स्पीड जो 10 Mbps की कुछ आ रही है स्पीड, बहुत ही तगड़ी सी। तो हाँ बस फिलहाल वाली वीडियो अपलोड हो रही है, ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, शायद आपको पता होगा ऑलरेडी या फिर नहीं पता तो अभी जाके चेकआउट कर सकते हो ऊपर से ही कि जो YouTube है उसने लिमिट कर दिया अपनी क्वालिटी 480p पे। एक्चुअली मेरे को पता तो काफी टाइम से चल गया था बट क्योंकि वीडियो मैंने थोड़ी सी लेट बनाई है इसलिए मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो YouTube ने जो अपनी लिमिट कर दी क्वालिटी 480p पे सर्वर हैवी होने के कारण, तो उसके बारे में जो बाकी सारी बातें वो टेक वाली वीडियो के अंदर करी है। थोड़ा सा इसके अंदर एडिटिंग का जादू भी छिड़का गया है तो जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है इस वीडियो को थोड़ा सा एंटरटेनिंग सी बनाने की। और एक और बहुत ही मस्त चीज है जो कि आरोग्य सेतु, जो कि एक एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट पावर्ड एप्लीकेशन है, उन्होंने बनाई है और बहुत ही तगड़ी एप्लीकेशन है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, वो मैं एडिट करके डालूंगा। वो जरूर हर एक बंदे को डाउनलोड कर लेना चाहिए ऐप, अगर आपने अभी तक नहीं करा तो डाउनलोड कर लो, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाके डाउनलोड कर लेना। और हाँ मेरे को पता है ये वाले व्लॉग जो है कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं हो रहे बट मैं कोशिश करूँगी जब जब मेरा मन करे तब मैं व्लॉग बना लूँ। बाकी अब बस अगर वाईफाई लग जाए तो ये जो अपलोडिंग हो रही है जो घंटे घंटे दिखा रहे हैं ये एक्चुअली हो जाएगी 2 सेकंड में 2 मिनट में, इतनी जल्दी हो जाती थी वाईफाई से। तो अभी फिलहाल नेट के काफी इश्यूज चल रहे हैं।
मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ये वाला टाइम लैप्स पसंद आया तो। आरोग्य सेतु इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च करी है, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा आरोग्य सेतु क्या है और इसको क्यों यूज करना जरूरी है। तो सारे जने जरूर डाउनलोड कर लेना और ये वाली जो वीडियो है अपने मतलब पेरेंट्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को भी दिखा सकते हो ताकि वो भी समझ पाए कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज कर सकती है किसी भी चीज को। मतलब वो देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा और पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन के थ्रू हम कैसे सेफ रह सकते हैं। मैंने वर्ड बोल दिया, शायद से वो कट करना पड़ेगा वर्ड। हाँ, फिलहाल मैं बस पहले की तरह फिर से वेला बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास करने को। अब तो गेम खेलने का भी नहीं मन कर रहा, मेरा ब्लॉग एडिट करने तक का नहीं मन कर रहा यार, क्योंकि ब्लॉग के अंदर भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा। आई डोंट नो कि ब्लॉग कैसे देखेंगे लोग, क्यों देखेंगे, पर अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना कि ब्लॉग देखने में क्या मजा आ रहा है अभी जरूर बताना। तो फिलहाल रात का टाइम हो चुका है, सब ने बंद कर दिया सब कुछ, स्ट्रीट लाइट्स तक बंद हो चुकी हैं। टाइम एक मिनट रहता है, बस एक मिनट। पटाखे फोड़ने लग गए लोग, मना भी करा था जबकि सबको लोग थोड़ी हटेंगे, लोग तो दिवाली समझेंगे इसको। यहाँ पे तो लोग दिवाली बनाने लग चुके हैं फिलहाल। लोगों को चाहे जितना मर्जी मना कर लो, लोग बाहर आके पटाखे फोड़ेंगे। चार मिनट रहते हैं अभी, हाँ 9:05 हो गए। दिवाली ना दी लोग, अच्छा लग रहा है ना, लाइट बंद होगी फिर दिए जल रहे हैं। मम्मी लोग पता है क्या सोच रहे हैं कि जो पोल्यूशन गाड़ियों से रोका था वो कर देते पटाखे फोड़ के। इन्होंने बहुत ज्यादा दिए जला रखे हैं, पर पटाखे अभी भी नहीं रुक रहे, छोटी दिवाली से ज्यादा बड़े पटाखे हो गए तो। लोगों ने घर पे इकट्ठे कर लिए कि हमारे पास आ जाओ, हम यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं, इकट्ठे बैठ के पटाखे फोड़ेंगे। हो गया टाइम तो होगा 9 मिनट का, पर लोगों को जब तक मजा आएगा लोग तब तक करेंगे। जब तक लोगों का मन नहीं भरेगा तब तक नहीं हटेगा। उन्होंने तो जला ली लो लाइटें भाई, पहाड़ वालों ने भी बंद कर रही थी, अब दोबारा जला दी ना। पहाड़ वाले भी इंडिया का ही पार्ट है, इसे कहते हैं एक देश एक आवाज अखंड भारत। पर ये पटाखे कब रुकेंगे? अब जब तक इनका दिवाली का मनोरंजन पूरा नहीं होता तब तक नहीं रुकेंगे। चलो आजा, जला ली लोगों ने, चलो भी पटाखे भी जला रहे हैं। चलो पीछे का सीन तो दिखाया नहीं आपको, पीछे के सीन के अंदर तो कुछ ज्यादा ही गलत वाले सीन हो रहे हैं। यहाँ तो पूरी दिवाली मना रखी, और ये देखो लोग बाहर आ गए। इनको बोली घर में जाओ। सोशल डिस्टेंसिंग कर करके पटाखे जला रहे हैं तो लोगों ने तो ले, ये तो सेलिब्रेशन ही होगी इनकी। तो क्या हुआ पता नहीं, क्या हुआ, एक लड़का वो अंदर गया, उसकी मम्मी से कौन सा गजार छप्पन दूसरे उसको बचाने लग गए आपस में। पुलिस वाले अंकल भी आ चुके कि कोई अगर बाहर निकलेगा तो सीधा ही दे डंडे वे डंडे भाई। यहाँ तो पॉल्यूशन पूरा दिवाली जैसा स्मेल आ रही है पूरी सारी, जो पटाखों के अंदर से उछल के जाते थे ना वो वाली स्मेल आ रही है पूरी। बैक टू नॉर्मल। बहुत ही अच्छी ड्रिल थी, ऐसे मस्त मस्त मोदी जी टास्क लेके आ रहे हैं, मस्त मस्त अपने इंस्टा स्टोरी के टास्क होते हैं वैसे मोदी जी अपने टास्क लेके आ रहे हैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। बट सबने बंद कर दिया था, सारी लाइटें बंद हो गई थी, दिए जल रहे थे, दिए कैंडल्स मोमबत्ती एकदम ऐसे। इंडिया वेरी गुड वेरी गुड। सो इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स भी वापस बैक टू नॉर्मल कर दी, इन्होंने थोड़ी देर के लिए 9 मिनट के लिए एग्जैक्टली स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी सारी बंद कर दी थी। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, पर ये नहीं हटेंगे पटाखे जलाने से। जो मैंने उधर वाईफाई छोड़ा था अपने मोहाली के अंदर उसका बिल अभी तक बना रहे हैं, वो कह रहे तुम जाओ हम तो बिल बनाएंगे।